नमस्कार दोस्तों, राम की नगरी अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अयोध्या एक वैदिक सिटी के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए यहां पर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट को भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर अयोध्या को वैदिक सिटी बनाने के लिए कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसमें वो कौन कौन से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट है। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट है अयोध्या बस टर्मिनल प्रोजेक्ट। हाँ जी दोस्तों, जून 2021 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा अयोध्या बस टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने के लिए 400 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, जिसे अयोध्या बस स्टेशन को एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराना इसकी मकसद थी, जिसमें आपको फूड कोर्ट, सीटिंग बेंच, लिफ्ट, ग्रीन स्पेस इत्यादि को देखते हुए बनाया जाना है। वहीं योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अयोध्या का बस स्टेशन पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को फैसिलिटी मिल सके और आकर्षक व केंद्र के रूप में अयोध्या नगरी पूरे विश्व भर में जाना जाए। अब देखते हैं ये बस टर्मिनल कब तक बनाकर तैयार किया जाएगा। अभी फिलहाल यह कंस्ट्रक्शन फेज में है, अब देखते हैं कब तक बनकर तैयार किया जाना है। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम अयोध्या रिवर फ्रंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाँ जी दोस्तों, सरयू नदी के सभी घाटों को काशी के घाटों की तरह डेवलप किया जाना है और आने वाले समय में रिवर फ्रंट को पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट जोन, पार्किंग, पार्क, घाट, शॉपिंग मॉल, बैठने के लिए बेंचेस, बड़े बड़े सी पोर्ट्स इत्यादि को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना है। वहीं रिपोर्ट्स की बात करूं तो अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत राम नगरी को एक वैदिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें रिवर फ्रंट का इंपॉर्टेंस काफी रहने वाला है। इसीलिए 2031 तक पूरी तरह से रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाना है। अब देखते हैं ये रिवर फ्रंट कब तक पूरा किया जाएगा। वहीं हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अयोध्या हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। हाँ जी दोस्तों, हम सभी को पता है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर, जिसमें तकरीबन 12 स्टेशन के रूप में इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिनमें से एक स्टेशन अयोध्या जंक्शन भी है। और इसी को देखते हुए अयोध्या को एक बहुत ही बड़ी और स्पेशल तरीके से यहाँ पे टर्मिनल्स को बनाया जाना है, जिसके तहत अयोध्या का एक आकर्षण केंद्र बन सके। हम सभी को पता है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2031 तक बनाकर पूरा किया जाना है और मास्टर प्लान अयोध्या भी 2031 तक पूरा किया जाना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी द्वारा जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी के इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे नए नए टाउनशिप का भी बनाया जाना है, जिससे एक आकर्षक का केंद्र बन सके और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित हो सके। ऐसे में देखना जरूरी होगा ये बुलेट ट्रेन रेल कॉरिडोर कब तक अयोध्या तक बन जाएगी, और आने वाले टाइम में देखना काफ़ी ज़रूरी होगा कि ये 2031 तक बनकर तैयार होती भी है या फिर नहीं होती है, या फिर बस एक जुमला है। वहीं हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अयोध्या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हाँ जी दोस्तों, जिस तरह से अयोध्या को एक वैदिक सिटी के रूप में तैयार किया जाना है, उसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लोगों को रोजगार मिल पाएंगे, अर्बनाइजेशन होगा, शहर की इकोनॉमी इंक्रीज होगी। इसीलिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा लखनऊ फैजाबाद गोरखपुर 4-लेन हाईवे में 65 किलोमीटर लंबे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जाना है, जिसकी टोटल एरिया 100 एकड़ है, जिससे अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत बनाया जाना है। वहीं ADA के उपाध्यक्ष विशाल सिंह का कहना है कि मास्टर प्लान का काम पूरा हो गया और इस कॉरिडोर को अब जल्द से जल्द बनाकर पूरा किया जाना, जिसका डेडलाइन 2031 दिया गया है। अब देखते हैं ये अयोध्या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2031 तक बनकर तैयार होती भी है या फिर नहीं होती है। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है अयोध्या मास्टर प्लान 2031। हाँ जी दोस्तों, अयोध्या मास्टर प्लान 2031 की मंजूरी 25 अक्टूबर 2021 को दे दी गई थी, जिसे 133 वर्ग किलोमीटर एरिया को 6 अलग अलग सेक्टर्स में डेवलप किया जाना है, जिनमें से बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल एरिया, ग्रीन एरिया, पार्किंग, जन सुविधाएं स्थल इत्यादि को बनाया जाना। वहीं अयोध्या मास्टर प्लान के तहत हर एक 3 किलोमीटर के अंदर हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड और जगह जगह पे हाईटेक स्कूल कॉलेजेस को बनाया जाना है। वहीं अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत शहर को पूरी तरह से एक वैदिक सिटी के रूप में निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे सभी एसेंशियल और मॉडल टेक्नोलॉजी को सेटअप किया जाना है, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, राम मंदिर, जगह जगह परिक्रमा मार्ग, रिंग रोड, सड़कें चौड़ीकरण, सोलर सिटी जैसे 200 से अधिक प्रोजेक्ट शामिल है, जिसे 2031 तक पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाया जाए। देखते हैं 2031 तक अयोध्या कितना मॉडर्न होता है और कितना यहाँ पे काम हो पाता है।
फिलहाल आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। अयोध्या मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक और वीडियो आने वाला है जो काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। उसमें मैं कुछ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट को बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। ऐसे में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज अगर पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।